हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनामिका। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं एक सिंगल मदर हूं। मेरे साथ साइबर ठगी हो गई और मैं बीते दिनों बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। आपको पता है, एक एक रुपए बहुत ही मायने रखते हैं एक सिंगल मदर के लिए। दो बच्चों की देखरेख, दो बच्चों की जिम्मेदारी बहुत मायने रखती है। और अभी मेरे पास कोई जॉब नहीं है फिलहाल, इसलिए और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ यूँ। फ्रेंड्स, आज के जमाने में बहुत सारे लोग, पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग भी साइबर ठगी के शिकार हो रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं भी हो गई। मैं गई 27 जून को अपना एटीएम कार्ड लेकर एटीएम पैसे निकालने के लिए। वहाँ 3-4 अटेम्प्ट करने के बाद भी पैसे नहीं निकल रहे थे, बट फाइनली पैसे निकल गए। और मेरे पीछे एक बंदा खड़ा था, मैंने नोटिस नहीं किया और उसने मेरा पिन देख लिया डालते हुए। और मुझे बिल्कुल ही भी रियलाइज नहीं हुआ, बिल्कुल महसूस नहीं हुआ कि उसने मेरा एटीएम पिन देख लिया। और वो फिर तुरंत टकरा भी जाता है और एटीएम कार्ड एक्सचेंज कर लिया। और मुझे पता ही नहीं चला। क्यों नहीं पता चला? क्योंकि उसका कार्ड और मेरा कार्ड बिल्कुल भी सेम था। और मुझे समझ नहीं आया, मुझे पता नहीं चला कि ये उसका है। और मैं उसका एटीएम कार्ड अपना एटीएम कार्ड समझकर अपने पर्स में रखी और मैं चली आई। और थोड़ी हड़बड़ में थी क्योंकि मेरी बेटी का स्कूल में छुट्टी हो गया था, उसको लाने का टाइम हो रहा था। मैं चली आई, मेरी बेटी को लाने गई स्कूल से लेके आई, घर आई। फिर मतलब 10 दिनों तक मैंने कोई ट्रांजेक्शन किया ही नहीं एटीएम से, जरूरत ही नहीं पड़ी और मुझे पता ही नहीं चला। ठीक है, फिर नया महीना आया तो फिर कुछ पैसे आए कहीं से। तो क्या हुआ, सुबह में आया था, मैंने कुछ ट्रांजेक्शन सुबह में किया, कुछ जरूरत था तो मैंने कर लिया फोन पे से। शाम होते होते मैं देख रही हूँ कि मेरा एटीएम पूरी तरह खाली हो चुका है और मुझे एहसास ही नहीं हुआ। मैसेज आया, मैंने दूसरे दिन देखा। फिर मेरे भाई को मैंने बोला, भाई देखना ऐसा ऐसा हो गया है, पैसे निकल गए एटीएम से अपने आप। तो बोल रहा है, एटीएम कार्ड आपके पास है तो ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता है बैंक से कोई गड़बड़ी हुई होगी तो आपके पैसे वापस आ जाएंगे। तो मैं इस भरोसे में थी कि आ जाएगा, बट फिर भी मैंने कस्टमर केयर को कॉल किया। भाई आया, उसने भी कॉल किया। जब बात हुई कस्टमर केयर से तो उन्होंने बोला कि आप एटीएम कार्ड का लास्ट 4 डिजिट बताओ। मैंने बता दिया। जब बताया तो उन्होंने क्या बोला, मैम ये आपका एटीएम कार्ड नहीं है। तब मुझे पता चला ये मेरा एटीएम कार्ड नहीं है। दोस्तों, आपको बिलीव नहीं हुआ मेरे पे क्या बीता, मुझे कैसा लगा उस टाइम, देख ये मेरा एटीएम कार्ड है ही नहीं। फिर बोला उन्होंने, कस्टमर केयर ने बोला कि आप इसको ब्लॉक कर दो और अपना अकाउंट भी ब्लॉक कर दो। तो मैंने सारा कुछ ब्लॉक करवा दिया उसी टाइम। फिर शाम को मैं थाने गई, अपना एसएमएस का पूरा ये निकलवा के, स्क्रीनशॉट लेकर उसका सब निकलवा के गई, प्रिंट आउट। थाने में, पुलिस स्टेशन में पुलिस से बात हुई। पुलिस ऑफिसर ने बोला कि ऐसा प्रॉब्लम बहुत आता है मैडम, हम लोग पकड़ नहीं पाते हैं, कैमरा लगा हुआ है, फिर भी वो चोर इतने ज्यादा मतलब शातिर होते हैं कि वो कहीं और चले जाते हैं, कहीं और भाग जाते हैं, हम लोग पकड़ ही नहीं पाते हैं। खैर ठीक है, आप एप्लीकेशन लिख दो, आप अपना पासबुक लेकर बैंक जाओ, अपडेट करवा कर ले आना। दूसरे दिन मैं अकेले गई फ्रेंड बैंक में सारा बात बताया। जब बैंक में अपडेट कराने के बाद, बैंक में जब बात हुई तो मैंने पूछा बैंक में कि सर ये पैसे मेरे आएंगे वापस? उन्होंने कहा, नहीं मैडम, आपके पैसे वापस नहीं आएंगे क्योंकि ये आपकी गलती है, ये आपकी वजह से हुआ, बैंक में इसकी कोई गलती नहीं है। फ्रेंड, मुझे बहुत धक्का लगा। मैं ये सुनने के बाद मैं स्कूटी स्टार्ट करके मैं आ रही थी। फ्रेंड, मेरा माइंड पूरी तरह एकदम हौच-पौच हो गया था, मैं बहुत परेशान हो गई थी और मैं जाकर टक्कर मार दी। मेरा एक्सीडेंट हो गया, लिटरली मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैं जोर से रोड फेंका गई, पूरा बिखर गई, मुसीबत पे मुसीबत, क्या बोलूं फ्रेंड। और मेरे घुटने से पूरा ब्लड आने लगा, मेरा घुटना पूरी तरह छिल गया, मेरा लेगिंग्स पूरा फट गया, मेरे पैर और मुझे लग गया। और मैं लिटरली रोने लगी कि क्या हो रहा है, कैसा समय आ गया है, मुसीबत पे मुसीबत, परेशानी पे परेशानी, मैं क्या करूं। सब लोग वहां इकट्ठे हो गए। फिर एक बहुत अच्छी लेडीज थी, वो गई मेडिकल शॉप, वहां से डिटॉल बैंडेज सब लेकर आई, वो तुरंत बिचारी कर दी।
उसके बाद फिर मैं स्कूल गई, स्कूल में छुट्टी हो गई थी मेरी बेटी की, मुझे लाने का टाइम हो गया था, मैं उसी हालत में अपनी बेटी के पास गई। बता नहीं सकती फ्रेंड मेरे दिमाग दिलो दिमाग पे उस टाइम क्या चल रहा था, फिर भी मैं गई और सेफली अपनी बेटी को लेकर आई, घर लेकर आई। उसके बाद क्या हुआ मैं अगले दिन बताऊंगी। इसके लिए आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरी लाइफ में एक सिंगल मदर की लाइफ में क्या कुछ चल रहा होता है, क्या कुछ झेलना पड़ता है, इसे जानने के लिए और इसे समझने के लिए आप मुझे लाइक और फॉलो करें, मुझे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।